भूगोल सामान्य अध्ययन के इस अध्याय में मैं अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं, पृथ्वी पर समय कैसे ज्ञात किया जाता है अलग अलग स्थलों पर, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। सवाल है कि इन रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो ऊपर से नीचे रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची हुई, इन्हें देशांतर कहते हैं। और पूर्व पश्चिम में जो रेखाएं खींची गई हैं विषुवत रेखा के समानांतर, उसे हम अक्षांश कहते हैं। तो हमने प्रश्न किया था कि इन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ी क्यों पृथ्वी पर खींचने के लिए। सबसे पहले ये जान जाइए कि ये क्यों पड़ी आवश्यकता, इसके बाद हम बताएंगे कि ये रेखाएं क्या है। मान लेते हैं कि आप मेरे शत्रु हैं, मुझे पता नहीं कि आप इस धरती पर हैं कहां। आप मेरे शत्रु हैं और मैं पावरफुल व्यक्ति हूं इस धरती पर। मुझे कहीं से सूचना मिली कि आप 60 अंश उत्तरी अक्षांश पर हो, 60 अंश उत्तरी अक्षांश पर हो, लेकिन उत्तरी अक्षांश तो यहां से लेकर यहां तक है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। इसके अलावा मुझे ये भी जानकारी मिली कि आप 60 अंश उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मिलन बिंदु पर हो। ये हो गया 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का मिलन बिंदु। ये मान लेते हैं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसका मिलन बिंदु ये है, मैंने आपको लोकेट कर लिया, मैंने पता लगा लिया कि आप धरती पर कहां हैं। आप 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मिलन बिंदु पर है। मैंने एक मिसाइल तैयार की, मिसाइल में कंप्यूटराइज्ड सूचनाएं फीड की मैंने। वो सूचना क्या है, मिसाइल कहां गिरेगी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की सूचना मैंने उस मिसाइल में फीड की। मिसाइल मैंने यहां से लॉन्च की, वो ठीक आपके सिर पर जाकर गिरेगी। ऐसा कैसे संभव हुआ, ऐसा इसलिए संभव हुआ कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से किसी भी स्थिति को, अवस्थिति को, जगह को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लोकेट किया जा सकता है। पृथ्वी बहुत विशाल है, तो इस विशाल ग्रह पर किसी स्थान को सही चिन्हित करने में अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मदद मिलती है। ये ग्रिड का निर्माण करती हैं। इस ग्रिड में तमाम खाने हैं, उन खानों की सहायता से अगर हम लोकेट कर लें तो हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं या अपनी कोई वस्तु भेज सकते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी उपयोगिता क्या है, ये पता चला। और भी अन्य उपयोगिता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अक्षांश रेखाओं से। अध्याय का पहला शब्द है अक्षांश। अक्षांश रेखाओं से हम शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे हम विषुवत कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। इक्वेटर धरती पर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई रेखा है, बीचों बीच जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ है गोले का आधा भाग। वो रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है बराबर गोलार्धों में, उसे हम विषुवत कहते हैं। अक्षांश क्या है, विषुवत भी एक अक्षांश रेखा ही है, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश क्या है, कैसे बनता है, आइए इसे जानते हैं। विषुवत रेखा की उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की, मान लेते हैं एक ये बिंदु हमने ले लिया, हमने कहा विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की, ये बिंदु लिया मैंने, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, ये कोणीय दूरी मैंने मान लिया 30 अंश। कितना, कोण को अंश में मापते हैं ना, ठीक है, ये कोणीय दूरी मैंने मापा 30 अंश। ठीक उस 30 अंश की कोणीय दूरी को हमने
विषुवत रेखा के समानांतर खींच दिया। फिर इस रेखा को हमने हटा दिया। हम कहेंगे कि अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है तो ये कितना डिग्री अक्षांश है? 30 डिग्री। अब आप समझ गए कि अक्षांश रेखाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं। एक उदाहरण और समझाते हैं इसी तरह का। हमने एक पृथ्वी के केंद्र का नाम लिया। केंद्र कहाँ है? पृथ्वी का केंद्र उसके गर्भ का ठीक बीचों बीच वाला भाग है, ठीक वहां जहां सेब, अगर आप पृथ्वी को सेब मान लें, एप्पल, तो एप्पल का बीज जहां पर रहता है उसे आप एप्पल का केंद्र कहेंगे। उसी तरह विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। उदाहरण के लिए एक और ले लेते हैं। हमने विषुवत रेखा के उत्तर में इस बिंदु की कोणीय दूरी ज्ञात की, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से। हमने विषुवत रेखा के उत्तर में फला बिंदु की या इस बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी ज्ञात की। ये कोणीय दूरी है 60 अंश। कितना? 60 अंश। अब विषुवत रेखा के समानांतर उस बिंदु से खींची गई जो रेखा होती है क्या कहलाएगी? कितना डिग्री अक्षांश बनाएगी? 60 डिग्री अक्षांश। अब आप समझ गए कि अक्षांश रेखाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं? समझ गया। अक्षांश रेखाएं प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में भी और विषुवत रेखा के दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतर पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। कहां तक? उत्तरी ध्रुव तक। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एसपी, एनपी। एनपी का मतलब नॉर्थ पोल, एसपी का मतलब साउथ पोल। तो विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं इसी तरह से खींची गई हैं। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हुई? 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाएंगी। अब हम उत्तरी ध्रुव के बिंदु को लेते हैं और उस बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी मापते हैं। कितना डिग्री हुआ? ये देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। अब हम फिर कहते हैं कि अगर विषुवत रेखा से प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल तक अगर हम उत्तरी ध्रुव तक अक्षांश रेखाएं खींचेंगे तो कितनी अक्षांश रेखाएं बनेंगी? 90 अक्षांश रेखाएं बनेंगी। यहां पे 90 अक्षांश रेखाएं खींचना संभव नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ अक्षांश रेखाएं खींचकर दिखा दे रहे हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी? 90। एक डिग्री के अंतर पर अगर खींची जाएंगी तो उत्तरी ध्रुव के बिंदु तक और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु तक 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, 90 90, 180। 180 अक्षांश रेखाएं हुई। लेकिन एक अक्षांश रेखा और है, कौन है वो? 0 डिग्री। तो 90 90 प्लस 0 डिग्री, उसको 1 मान लेते हैं। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है। वास्तव में ये अक्षांश रेखाएं नहीं है, ये वृत्त है। आप एक फुटबॉल ले लीजिए और फुटबॉल के चारों तरफ इस स्केच पेन से एक लाइन खींच दीजिए, इस फुटबॉल के चारों तरफ। ठीक उसी तरह पृथ्वी पर भी ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं। अर्थात जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है केवल वही पर अक्षांश रेखाएं नहीं है, एक ही अक्षांश रेखा पिछले पृष्ठ पर भी घूमती है। अर्थात अक्षांश रेखा ना होकर क्या है? वृत्त है। कुल कितने अक्षांश वृत्त है पृथ्वी पर? विषुवत रेखा को मिलाकर 181 अक्षांश वृत्त है। सबसे लंबा अक्षांश रेखा कौन सा है जो पृथ्वी को बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटती है? क्या बोलेंगे उसे? विषुवत यानी भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? 90 डिग्री। आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में पाया जाता है। जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे सिमट जाएगा, जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे सिमट कर एक बिंदु के रूप में हो जाएगा। सबसे छोटी अक्षांश रेखा 90 डिग्री, सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री।
आप समझ गए? ठीक है, कुछ अक्षांश रेखाओं को विशेष नाम हमने दिया है, जैसे 23.5 डिग्री, ये है 23.5 सही 1/2, और ये भी है 23 सही 1/2। यहां हम एन लिखेंगे, 23.5 एन, 23.5 एस, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। इनका विशेषीकरण क्यों किया गया, इनको विशेष नाम क्यों दिया गया? आपने सुना होगा, इसके पहले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में जाता है और विषुवत रेखा के दक्षिण में जाता है। एक वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणें, एक वर्ष में धरती पर पड़ने वाली सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा के उत्तर में जाती हैं और पुनः विषुवत पर लौटकर विषुवत रेखा के दक्षिण में चली जाती हैं। ये चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाता है। कितना? विषुवत रेखा, सूर्य की लंबवत किरणें जो धरती पर पड़ती हैं, एक वर्ष में विषुवत रेखा से कर्क तक पहुंचती हैं, 23.5 डिग्री तक। मैं लंबवत किरणों की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो सूर्य की किरणों से पूरा पृथ्वी प्रकाशित है, लेकिन सूर्य की लंबवत किरणें, वो किरणें जो मेरे सिर के ऊपर चमकती हैं, जब चमकती है सिर के ऊपर तो मेरी परछाई गायब हो जाती है, वो मेरे पैरों के नीचे दब जाती है। मैं उस सूर्य की लंबवत किरणों की बात कर रहा हूँ कि सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष में, एक वर्ष में विषुवत रेखा से कर्क तक पहुंचती हैं और पुनः विषुवत तक पहुंचकर फिर पुनः मकर रेखा पर जाती हैं और पुनः फिर विषुवत पर लौट आती हैं। एक वर्ष में एक चक्र, विषुवत से कर्क, कर्क से विषुवत, विषुवत से मकर, मकर से कर्क, मकर से विषुवत तक एक चक्र पूरा होता है। वास्तव में सूर्य की लंबवत किरणें विचलन नहीं करती हैं, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी विचलन करती है। इसके पहले अध्याय मैंने बताया था कि पृथ्वी ऐसे न होकर ऐसे झुकी हुई है, एक तो पृथ्वी का झुका होना, दूसरे सूर्य की चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा करना। झुका होना पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, और दूसरा कारण पृथ्वी की चारों ओर, सॉरी सूर्य की चारों ओर परिक्रमण करना, इन दोनों कारणों से, यानी 23 डिग्री पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की चारों तरफ परिक्रमण, इन दोनों कारणों से ये स्थिति पैदा होती है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक साल भर में विचलन करती रहती है। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें कभी भारत के ऊपर चमकती हैं, क्यों? क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, आपने पढ़ा है 8 राज्यों से होकर, नाम जानते होंगे। तो कभी सूर्य की लंबवत किरणें गर्मी के दिनों में जून में भारत के ऊपर लंबवत चमकती हैं और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लंबवत चमकती हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में भारत में ठंडी होती है और ऑस्ट्रेलिया में इसलिए गर्मी होती है दिसंबर के महीने में। ये सारी चर्चाएं हमने पिछले अध्याय में की। यहाँ छोटा सा परिचय दिया कि 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी को हमने विशेष नाम दे दिया है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, धरती पर जिस स्थानों पर ये काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अर्थात आप अगर विषुवत रेखा पर खड़े हैं जीरो पर और मैं 1 डिग्री अक्षांश पर खड़ा हूं, मान लेते हैं मैं 1 डिग्री अक्षांश पर खड़ा हूं उत्तरी और आप विषुवत रेखा पर खड़े हैं, तो हमारे बीच कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। अगर मैं 2 डिग्री अक्षांश पर खड़ा हूं, मान लेते हैं इसे हमने 2 मान लिया, मैं 2 डिग्री अक्षांश पर खड़ा हूं और आप विषुवत पर खड़े हैं, तो हमारे बीच कितनी दूरी है? 222 किलोमीटर। अब आप समझ गए कि प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी धरती पर होती है। ओके, अक्षांश रेखाओं का वर्णन समाप्त।
अब हम जानेंगे विषुवत रेखाओं के बारे में, सॉरी देशांतर रेखाओं के बारे में। ये हो गया वृत्त एनपी नॉर्थ पोल, एसपी साउथ पोल। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव पर जाकर मिल जाती है। हमने अक्षांश रेखाओं में बताया कि अक्षांश रेखाएं न होकर वृत्त हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं न होकर वृत्त हैं जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं वृत्त न होकर रेखा है जो एक ध्रुव पर जाकर से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर जाकर खत्म हो जाती है। ठीक उसी बिंदु से दूसरी तरफ की रेखा को हम दूसरी देशांतर रेखा कहते हैं, अर्थात देशांतर रेखा है वृत्त न होकर रेखा है। पृथ्वी कितने डिग्री है टोटल को, एक गोलाकार वस्तु कितने डिग्री होती है? ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? 90। अब कितना है? 180। अब कितना है? 180 गुना 360। प्रत्येक गोलाकार वस्तु 360 डिग्री होती है, तो पृथ्वी 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में। ये चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल पृथ्वी 360 डिग्री की है, कोई क्योंकि कोई भी वृत्ताकार या गोलाकार वस्तु 360 डिग्री की होती है। अब हम कहें कि देशांतर रेखाएं प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, तो कुल कितने देशांतर रेखाएं हो गई? देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हो गई, क्योंकि कोई भी गोलाकार वस्तु 360 डिग्री की होती है और उस पर अगर प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर रेखा खींच दी जाए तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी? 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। लंदन मैप, आप जब मेरा क्लास पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको हमेशा अपने दीवार पर विश्व का मानचित्र टांगना चाहिए। आप मेरी कक्षा को देखते समय या मुझे फॉलो करते समय, भूगोल की कक्षा को फॉलो करते समय मानचित्र का सहायता लेंगे। आप अपने दीवार पर दो तरह के मानचित्र टांगेंगे, एक विश्व का राजनीतिक मैप आता है और दूसरा भौतिक मैप। राजनीतिक मैप में देश की सीमाएं और राजधानियां और नगर प्रमुखता से दर्शाए जाते हैं। विश्व के भौतिक मानचित्र में नदियां, पर्वत, पहाड़, झील, समुद्र, खाई इत्यादि दर्शाए जाते हैं। तो आप अभी अपने मानचित्र में जब देखेंगे तो लंदन को देखिए, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच, लंदन का एक स्थल है ग्रीनविच। लंदन उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है, सॉरी ब्रिटेन उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ देश है। तो जो देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, हमने मान लिया कि जो देशांतर रेखा, अपनी सुविधा के लिए हमने माना है कि जो देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हमने 0 डिग्री मान लिया। कितना? 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसकी पूर्व की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहा जाता है और 0 डिग्री देशांतर की पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। आप समझ गए? 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री के पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ग्रीनविच लाइन को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं क्योंकि लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और साथ ही प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो पृथ्वी 360 डिग्री कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। आइए एक सवाल लगाएं, पृथ्वी एक चक्कर अपना अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने देर में लगाती है? 24 घंटे में। एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री,
पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितने समय में? 24 घंटे में। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 1440 मिनट में, तो एक डिग्री कितने देर में घूमेगी? 1440 बटे 360 बराबर 4 मिनट। 1440 बटे 360 बराबर 4 मिनट। अब आप समझ गए कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट। यानी प्रत्येक देशांतर के मध्य कितने मिनट का गैप है? 4 मिनट का। ओके, पृथ्वी एक डिग्री घूमती है 4 मिनट में, 4 मिनट में, तो 15 डिग्री घूमेगी, 4 × 15 बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा। समझ गए आप? एक डिग्री देशांतर की दूरी पृथ्वी 4 मिनट में तय करती है और 15 डिग्री देशांतर की दूरी पृथ्वी 1 घंटा में तय करती है। ठीक है, तो प्रत्येक देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है। अगला फैक्ट, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। यहां पर सूर्योदय होता है, हम मान लेते हैं ये सूर्य है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तो पहले सूर्योदय कहां होगा? पूरब में। अगर पूरब में सूर्योदय हो रहा है तो पश्चिम में क्या होगा? रात होगी, और पश्चिम में जाएंगे तो शाम मिलेगा। यानी सूर्य की किरणें यहां पर पहुंच रही हैं अगर सूर्योदय में, तो निश्चित रूप से यहां पर नहीं पहुंच रही होंगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है। गोलाकार होने के चलते जिस स्थल पर सूर्योदय होता है उसके ठीक पश्चिम वाले इलाकों में सूर्योदय नहीं होता है। जैसे अगर भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो रहा है तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो गुजरात है वहां पर सूर्योदय नहीं हो पाता है, 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। ऐसा क्यों होता है? और गुजरात का समय और अरुणाचल प्रदेश का समय अलग अलग क्यों हो जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में समय पीछे होता है। आप समझ गए? 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में अर्थात ग्रीनविच रेखा के पश्चिम का समय पीछे होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसलिए इधर का समय आगे और इधर का समय पीछे होता है। अगर यहां पर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं दिन के, ठीक है, और आप 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़े हैं, इसको हम 1 डिग्री मान लेते हैं और इसको 2 डिग्री मान लेते हैं, आप 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़े हैं तो यहां पर कितना बज रहा होगा? यहां पर 2 डिग्री देशांतर के मध्य कितने मिनट का अंतर है? 1 देशांतर में 4 मिनट का अंतर, तो 2 डिग्री देशांतर में 8 मिनट का अंतर, यानी यहां पर 12:08 हो रहे होंगे। आप समझ गए? 2 फैक्ट मैंने बताया कि प्रत्येक डिग्री देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है और पूर्वी देशांतर पर समय आगे होता है। तो यहां पर अगर 12 बज रहे होंगे तो 2 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर समय 12:08 हो रहा होगा। अब आप समझे? इस तरह से तो पृथ्वी पर अलग अलग समय देशांतरों पर समय अलग अलग हो जाएगा। और ऐसा है भी, लंदन का समय भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे है और भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है इस नियम के अनुसार। लेकिन एक ही देश में कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने भारत को ले लिया
हमने भारत का मैप बनाया, ये बनाया भारत, यहां पे है आपकी राजधानी दिल्ली। भारत एक देशांतरी विस्तार वाला देश कहलाएगा क्योंकि यहां से होकर कई देशांतर रेखाएं गुजर जाएंगी। आप देख रहे हैं, अगर ग्लोब पर इसे देखेंगे तो भारत से कई देशांतर रेखाएं गुजर जाती हैं। ऐसे में तो पूर्वी भारत का समय अलग हो जाएगा और पश्चिमी भारत का समय अलग हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि पूर्वी देशांतरों का समय आगे होता है और पश्चिमी देशांतरों का समय पीछे होता है। भारत का देशांतरी विस्तार किताब में भी आप पढ़े होंगे 68। यहां से भारत का सबसे पश्चिमी छोर से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसकी माप क्या है 68.7। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है 68.7 पूर्वी से लेकर 97.25 97.25 पूर्वी, 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी, इतना विस्तार है भारत का देशांतरी विस्तार। ऐसे में तो यहां पे समय कुछ और हो जाएगा और यहां का समय कुछ और हो जाएगा। तो कितना समय में अंतराल है हम ये भी देख लेते हैं। 68 से 97 तक की आप गणना करेंगे, 68 से लेकर 97 तो टोटल निकल आएगा आपका 29। 68 से जोड़िए 97 की, 68 से लेकर 97 के मध्य कितने देशांतर आएंगे, लगभग 29 देशांतर आएंगे आपके। कितने 29 देशांतरों का गैप है भारत की पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक, 29 देशांतरों का गैप है। मतलब कितना समय में अंतर होगा भारत की पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के मध्य, कितना समय का अंतर होगा, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 29 डिग्री देशांतर में कितना अंतर होगा। आप ऐसे स्थिति में, हमने अभी बताया कि भारत की पूर्वी छोर से भारत की पश्चिमी छोर के मध्य 29 देशांतरों का अंतर है, 29 डिग्री देशांतर का, तो 29 डिग्री देशांतर में कितना समय अंतराल होगा, 4 से गुणा कर देंगे तो इसे हम 30 मान लेते हैं मोटा मोटा। 29 को कितना मान लेते हैं सुविधा के लिए, 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, तो 120 कितना मिनट, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, तो 30 डिग्री देशांतर में 120 मिनट का अंतराल, 120 मिनट बराबर 2 घंटा। यानी भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। तो गुजरात में कब सूर्योदय होगा, 2 घंटे बाद। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्योदय होगा तो सबसे पश्चिमी छोर जो भारत का है गुजरात, वहां पर सूर्योदय कब होगा, 2 घंटे बाद, अर्थात 7 बजे होगा। तो ऐसे में तो एक ही देश में अलग अलग समयों, अलग अलग जगहों पर समय अलग अलग हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है एक ही देश में कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हों और गुजरात में 7 बज रहे हों? तो इससे तो बहुत ही समस्याएं पैदा हो जाएंगी किसी एक देश के अंदर। तो सुविधा के लिए प्रत्येक देश में काम किया गया है कि एक मानक समय रेखा मान ली गई है। हमें फिर से भारत का चित्र बनाना होगा। हमने कहा कि अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में पूर्वी छोर का समय अलग हो जाता है और पश्चिमी छोर का समय अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि देशांतरीय विस्तार अधिक है। तो जैसे कि भारत की पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के मध्य 2 घंटे का अंतराल है, तो इसे पाटने के लिए, ताकि सभी राज्यों में घड़ी की सुइयां एक समान चले, इसलिए हमने किसी एक रेखा को, एक देशांतर रेखा को हमने मानक समय स्वीकार कर लिया है। भारत में जो 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2
पूर्वी। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से। हमने सुविधा के लिए मान लिया कि इलाहाबाद के नैनी से जो देशांतर रेखा गुजरती है वहां का समय पूरे भारत का समय माना जाएगा। फिर से सोचिए, इलाहाबाद के नैनी से होकर जो देशांतर रेखा गुजरती है वहां का समय पूरे भारत का समय माना जाएगा। तो हमने नैनी से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसकी माप क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी पड़ती है वो। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? तो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी पर जो भी समय होगा वही समय गुजरात में होगा, अरुणाचल में होगा, तमिलनाडु में होगा और जम्मू कश्मीर में होगा। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो नैनी से गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इतने क्षेत्र से होकर भारत की गुजर रही तो उतने में 5 राज्य आ जाते हैं, यूपी, एमपी, सीएच मतलब छत्तीसगढ़, यूडी मतलब उड़ीसा और आंध्र। 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत की समय रेखा ग्रीनविच समय से, भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? हमने बताया कि पूर्वी देशांतरों का समय आगे होता है, पश्चिमी देशांतर का समय पीछे होता है। हमने इसे, इस रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी मान लिया। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी मान लिया, ठीक है। तो भारत की समय रेखा जो कि नैनी से होकर गुजरती है वो 82.5 डिग्री पूर्वी है, इसे मान लिया हमने। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे होगा? गुणा करना पड़ेगा, 1 डिग्री देशांतर के मध्य कितनी समय का अंतराल होता है? 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर होगा? 82 से गुणा करते हैं 4 का, 4 × 8, 4 × 8 = 32 और आधा मिनट। अभी आधा देशांतर बाकी है, 82 देशांतर का तो हमने निकाल लिया 328 मिनट। अगर 1 डिग्री देशांतर का समय अंतराल 4 मिनट है तो आधा डिग्री देशांतर का कितना होगा? 2 मिनट होगा। इसमें हमने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 330 मिनट। 330 मिनट को आप घंटा में बदलेंगे तो कितना निकलेगा? 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। गणित के फार्मूले से एकदम स्पष्ट निकल गया कि अगर दिन के 12 बज रहे हैं लंदन में, लंदन की ग्रीनविच में कितने बज रहे हैं? दिन के 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितने बज रहे होंगे? भारत में 5 घंटा 30 मिनट जोड़िए 12 में, 5:30 हो रहे होंगे। आपने कल्पना किया, अगर लंदन की ग्रीनविच में समय दिन में 12 बज रहे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 82 डिग्रियों का समय अंतराल कितना होता है? 5 घंटा 30 मिनट। अब आप समझ गए। और अगर 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर का निकालना है, समझने के लिए समझ लीजिए कि अगर 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर का निकालना है तो 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय हो रहा होगा अगर लंदन में 12 बज रहे हो? तब आप 5.5 घंटे घटा देंगे 12 में से, तब निकलेंगे 6:30 होंगे। यानी 82, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5:30 बज रहे होंगे और 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? 6:30 बज रहा होगा सुबह का। अब आप समझ गए कि कैसे पूर्वी देशांतरों का समय आगे होता है और पश्चिमी देशांतरों का समय पीछे होता है। देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो हम शुरू बताना भूल गए।
देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे ज्यादा अंतराल आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? विषुवत रेखा पर। उत्तर में जाने पर और दक्षिण में जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी घटती चली जाती है धरातल पर। सर्वाधिक दूरी देशांतर रेखाओं के मध्य विषुवत रेखा पर होती है। ये दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। यानी विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। देशांतर रेखाओं को पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया है। तो अगर बराबर बराबर पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में बांट दिया जाए तो कुल पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। इसे चार्ट से दर्शा देते हैं। ये हमने ग्लोब को फाड़ कर चौड़ा कर दिया। इसे हमने 0 डिग्री मान लिया, 0 डिग्री देशांतर जो कि लंदन की ग्रीनविच से गुजरती है। तो ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी। देशांतर रेखाओं को पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया है। कोई भी 181 डिग्री देशांतर रेखा नहीं होती। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से शुरू होकर 180 डिग्री पूर्वी होती है और 180 डिग्री पश्चिमी होती है। एक खास बात और है, 1 डिग्री पूर्वी होती, 1 डिग्री पश्चिमी, 2 डिग्री पूर्वी, 2 डिग्री पश्चिमी, लेकिन 180 देशांतर रेखा चाहे पूर्वी चाहे पश्चिमी एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। जैसे 10 डिग्री पूर्वी देशांतर हो सकती है और 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, लेकिन जो 0 डिग्री के ठीक पीछे जो देशांतर रेखा है ठीक पीछे, उसे हम 180 डिग्री पूर्वी भी कहते हैं और 180 डिग्री पश्चिमी भी कहते हैं। अर्थात 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी रेखा अलग अलग न होकर एक ही होती है। ठीक है, अगर पृथ्वी पर, इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी 360 डिग्री कितने समय में घूमती है? आप कहेंगे 24 घंटा में। तो 180 डिग्री कितने में घूमेगी? 12 घंटा में। यही ना, अगर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटा में, तो 180 डिग्री कितने में घूमेगी? 12 घंटे में। यानी यहां का समय 12 घंटा आगे और यहां का समय 12 घंटा पीछे। कहां से? 0 डिग्री देशांतर से। 12 घंटा आगे और 12 घंटा पीछे, हो गया 24 घंटे। अब एक रोचक तथ्य आपको पता चलेगा। इसके लिए मेरे मैप के साथ साथ आपको अपने दीवार पर टंगा मानचित्र भी देखना पड़ेगा। यह विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये हमने वर्ल्ड का मैप बना दिया मानचित्र।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन से जो रेखा गुजरती है देशांतर, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री। यह एक 0 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री अमेरिका यहां तक है, मैप यहां पे समाप्त हो रहा है। यानी अगर आप किसी नाव से जाएंगे इधर तो कहां निकलेंगे, इधर निकलेंगे। अगर आप किसी नाव से समुद्र में, बीच में सागर है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को बचा हुआ हिस्सा इधर, अगर आप किसी नाव से जाएंगे तो किधर निकलेंगे मैप में, ग्लोब पे। ग्लोब पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ग्लोब गोल होता है, ग्लोब की सहायता से आप समझिए, ग्लोब कल्पना करिए। तो आप नाव से अगर इधर जाएंगे तो किधर निकलेंगे, यहां पर निकलेंगे। तो यहां पर है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका अमेरिका का निकला हुआ भाग, ये वाला हिस्सा यहां निकला हुआ हमने मान लिया। ये हो गया 180 डिग्री। कितना, पूर्वी या पश्चिमी, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी एक ही होती है, और ये है 0। इन दोनों के मध्य कितना समय अंतराल है, 12 घंटे। और यहां से लेकर यहां तक, अर्थात पीछे से यहां 12 घंटे, और यहां से लेकर यहां तक कितना समय अंतराल है, 12 घंटे। 12 घंटा पूर्वी, 12 घंटा पश्चिमी। तो 180 डिग्री पर आने पर इसी कारण से एक दिन का अंतर आ जाता है। यानी यहां से यहां तक 12 घंटे का अंतर है, लेकिन इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 घंटा ये जोड़ लिया जाएगा, 12 घंटा ये, 12 घंटा ये, हो गया 24 घंटा। लेकिन 180 डिग्री देशांतर को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे 24 घंटे का अंतर माना जाता है। इसीलिए अगर यहां का पूर्वी 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिमी, तो पूर्वी देशांतर का समय आगे है। तो अगर यहां पर मंगलवार है, कितना मंगलवार है, तो 180 डिग्री पूर्वी के पूर्व में क्या समय होगा, वास्तव में ये पूर्व नहीं है, ये पश्चिम है, क्योंकि ये वाला इलाका है। आप कल्पना करिए, ग्लोब की सहायता से पृथ्वी को गोला मानिए, तब आप कल्पना करेंगे ये वाला जो हिस्सा है वास्तव में यहां का हिस्सा है। तो यहां पर क्या होगा, सोमवार होगा। क्यों, क्योंकि पूर्वी देशांतरों का समय आगे होता है और पश्चिमी देशांतरों का समय पीछे होता है। ये पश्चिमी देशांतर है क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर होता है और पश्चिमी देशांतरों का समय पीछे होता है। यही कारण है कि यहां मंगलवार होगा तो यहां पर सोमवार होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप मंगलवार, अगर आप 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में खड़े हैं, 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में खड़े हैं और उस दिन मंगलवार है, अगर उसी समय आप अगर 180 डिग्री को क्रॉस करके नाव की सहायता से पूर्व में पहुंच जाते हैं, 180 डिग्री के पार चले जाते हैं, तो आप किस डेट में होंगे, आप सोमवार को होंगे। ये बात आपको समझ में आई कि 180 डिग्री, इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसकी विशेषता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम का समय आगे होता है और पूरब का समय पीछे होता है। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में सोमवार है तो पश्चिम में कौन सा डेट होगा, मंगलवार। इस तरह से आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान में रखकर कि 180 डिग्री के पूरब में समय एक दिन पीछे होता है और 180 डिग्री के पश्चिम में समय एक दिन आगे होता है, इस चीज को ध्यान में रखकर किसी भी तरह का सवाल हल करेंगे तो हल हो जाएगा। अक्सर इस तरह के सवाल बनते हैं कि नाव की सहायता से आप इतने घंटे में पश्चिम की तरफ चलते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो आप किस डेट में होंगे। तो आप दिन को बढ़ाकर या घटाकर और नाव की सहायता से चलने में जो समय लगा है 4 घंटे या 5 घंटे, उस समय को जोड़कर आप कल्पना करेंगे तो आप निकाल लेंगे कि आप किस डेट में हैं। आप हल करने का प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। मेरे YouTube वीडियो के नीचे कमेंट होता है, वहां पर कमेंट में आप अपनी समस्या बताइएगा,
अगर कोई सवाल न हल हो, जैसे घटना चक्र में आप देशांतर रेखाओं से संबंधित कोई सवाल हल कर रहे हो, अगर नहीं हल हो तो आप कमेंट में बताइएगा समस्या, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया अक्षांश, देशांतर, समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में जानकारी। क्लास कैसा लगा आप इसे बताइएगा। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हुई। नमस्कार।